ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्ट एंड कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को हमें कंट्रोल करना है बाय यूजिंग 3x2 वे सोलेनाइड ऑपरेटेड वाल्व। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक न्यूमेटिक सर्किट कनेक्ट करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना पड़ेगा। तो न्यूमेटिक सर्किट कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक पावर सप्लाई लिया और वो पावर सप्लाई मैंने सोलेनाइड के पी में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका 3x2 वे का आउटपुट यानी कि वर्किंग पोर्ट जो है वो मैंने सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को कनेक्ट कर दिया। अभी आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें चाहिए एक पावर सप्लाई, फिर आपका पुश बटन स्विच और रिले। हम इसको इनडायरेक्ट तरीके से कनेक्ट करेंगे कि जैसे देखो 24 वोल्ट करंट लेना है, उसको आपका जो स्विच है या पुश बटन है उसके इनपुट में सप्लाई देना है। फिर नॉर्मली ओपन स्विच हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका आउटपुट से हमें क्या करना है, रिले का इनपुट कॉइल को बनाना है। और रिले की जो इनपुट कॉइल है उसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। उसके बाद वापस एक 24 वोल्ट सप्लाई लेके रिले के कॉमन में सप्लाई देना है और उसी कॉमन से और उसी उसी कॉमन के नॉर्मली ओपन से हम सप्लाई लेंगे और वो सप्लाई हम देंगे सोलेनाइड वॉल के पॉजिटिव टर्मिनल में, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर देंगे। तो जैसे दोस्तों देखो, सप्लाई कैसे किया मैंने, पहले तो 24 वोल्ट लिया, मैंने क्या किया जो पुश बटन यूज़ कर रहा हूँ उसके इनपुट को सप्लाई दिया, वही पुश बटन के आउटपुट के, मतलब यहाँ से 24 वोल्ट आया, पुश बटन प्रेस होगा, यहाँ से 24 वोल्ट आपका रिले में जाएगा और जैसे ही रिले एनर्जाइज हो जाएगा सर्किट पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पे और एक 24 वोल्ट लिया है जो कॉमन में है, मतलब यहाँ पे 24 वोल्ट आया है, लेकिन जब रिले एनर्जाइज हो जाएगा वो 24 वोल्ट नॉर्मली ओपन को नॉर्मली क्लोज करके आपका 24 वोल्ट आएगा इस सोलेनाइड में और सोलेनाइड एनर्जाइज हो जाएगा और पिस्टन एडवांस होगा। जैसे ये इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑन कर देता हूँ, न्यूमेटिक सर्किट ऑन कर देता हूँ, जैसे पुश बटन प्रेस करूँगा सोलेनाइड एनर्जाइज हो जाएगा, पिस्टन एडवांस हो जाएगा। पुश बटन छोड़ दिया, सोलेनाइड डिसएंगेज हो जाएगा, पिस्टन पीछे आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों कंस्ट्रक्ट एंड कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर काम करता है और ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सर्किट है।